हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड वेल्थ गोल प्लान के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस प्लान में अलग अलग तीन वेरियंट है, जिसमें पहला है वेल्थ क्रिएशन ऑप्शन, दूसरा है अश्योर्ड इनकम ऑप्शन, तीसरा है सेकेंड इनकम ऑप्शन। इन तीनों ही ऑप्शन में से आप एक ही ऑप्शन चुन पाएंगे और चुनने के बाद में चेंज नहीं होगा। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान। सिंपल शब्दों में कहें तो ये प्लान एक गारंटेड रिटर्न देने वाला प्लान है, जो कि प्लान लेते समय ही आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तीनों ऑप्शन एक दूसरे से अलग हैं, इस वजह से आज की वीडियो में हम वेल्थ क्रिएशन ऑप्शन की बात करेंगे। तीनों में से किसके बारे में बात करेंगे? वेल्थ क्रिएशन की। अगर आप बजाज अलायंस लाइफ का गारंटेड वेल्थ गोल प्लान लेते हैं और उसका वेल्थ क्रिएशन ऑप्शन चुनते हैं, तो एंट्री एज लिमिट होगी यहाँ पे 0 से लेकर 60 साल। मेच्योरिटी एज का लिमिट 18 साल से लेकर के 75 साल तक का होगा। बात आती है यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म की। अगर 5 साल, 6 साल, 7 साल और 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुन रहे हैं, तो इन सभी प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन के साथ में 10 साल, 12 साल, 15 साल और 20 साल का पॉलिसी टर्म उपलब्ध है। अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 12 साल, 15 साल और 20 साल का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन उपलब्ध है। लेकिन अगर केवल 12 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं, तो ऐसे में मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल होगा, अधिकतम 20 साल तक का चुन सकते हैं। मिनिमम सालाना प्रीमियम का जो लिमिट है वो है ₹12,000 का, इससे कम प्रीमियम पे प्लान नहीं लिया जा सकता। बात आती है यहाँ पे लाइफ कवर की, जिसे प्लान में कहा गया है सम अश्योर्ड ऑन डेथ राइट। अगर आपकी आयु प्लान लेते वक्त 0 से लेकर 50 साल तक की होगी, तो ऐसे में सालाना प्रीमियम का 7 गुना या 11 गुना या 15 गुना या 20 गुना तक आप लाइफ कवर ले सकते हैं। अगर आपकी आयु 51 साल से लेकर 60 साल तक की है, तो ऐसे में सालाना प्रीमियम का कम से कम 5 गुना अधिकतम 20 गुना तक लाइफ कवर ले सकते हैं, क्योंकि जो सम अश्योर्ड मल्टीप्लाई फैक्टर है वो इतना ही है, 5 से 20 के बीच में। बात आती है यहाँ पे बजाज अलायंस लाइफ के गारंटेड वेल्थ गोल प्लान के वेल्थ क्रिएशन ऑप्शन के बेनिफिट की। तो मेच्योरिटी पे आपको गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट और गारंटेड अक्योर्ड एडिशन मिल जाता है। अब गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है? इसका मेच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर होता है, जिसका गुणा कर दिया जाता है टोटल पेड प्रीमियम में। गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर जो होता है, ये डिपेंड करता है आपकी आयु, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म, प्रीमियम के ऊपर। गारंटेड एडिशन भी आपके प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत होता है, और गारंटेड एडिशन फैक्टर भी डिपेंड करता है पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म के अनुसार ही आपको मिलता है। पॉलिसी के दूसरे साल से मिलना चालू हो जाता है। जिस डेट पे गारंटेड एडिशन मिलना होता है, उस डेट तक जितना प्रीमियम पे किया गया हो उस पे ही ये मिलता है, जैसे आप क्यूमुलेटिव गारंटेड एडिशन भी कह सकते हो। डेथ बेनिफिट की बात करें तो देखो, मिनिमम तो मैं पता ही है कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान में टोटल पेड प्रीमियम का 105% तो मिलना ही होता है किसी भी हाल में। लेकिन ये प्लान कहता है कि जो डेथ बेनिफिट है वहां पे आपको सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा। सम अश्योर्ड ऑन डेथ वही अमाउंट है जो आप प्लान लेते वक्त एज ए लाइफ कवर चुनेंगे सम अश्योर्ड फैक्टर के माध्यम से, ठीक है। अब हम यहाँ पे पॉलिसी ब्रोशर में जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन दिया गया है उसको ही एग्जांपल मान लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है, जिनकी आयु 35 साल की है, बजाज अलायंस लाइफ का गारंटेड वेल्थ गोल प्लान लिया वेल्थ क्रिएशन ऑप्शन के साथ। 15 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना ₹2,50,000 का प्रीमियम, और जो सम अश्योर्ड फैक्टर है, जिसे आप लाइफ कवर फैक्टर भी कह सकते हो, वो 11 यहाँ पे चुना है। तो हमें पता है कि जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ यहाँ पे हो जाएगा वो 2,50,000 का 11 गुना हो जाएगा, यानी कि ₹27,50,000 मिनिमम लाइफ कवर तो यहाँ पे अब ये हो गया, क्योंकि ये इन्होंने चुन लिया यहाँ पे। वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन तो हमें पता लगेगा कि गारंटेड एडिशन हर साल हमें कितना मिल रहा है, उसकी जानकारी पूरे टेबल के ऊपर है राइट। और जो पॉलिसी का यहाँ पे आप देखेंगे कि 10वें साल के बाद में हर साल ये ₹2,00,000 मिलता रहेगा, और जैसे ही 15वां साल कंप्लीट होगा तो अक्योर्ड गारंटेड एडिशन का अमाउंट 20,80,000 के आसपास यहाँ पे ये हो जाएगा। अब क्योंकि ये गारंटेड है, आप जब प्लान के बारे में जानोगे लोगे तो आपको पता ही होगा, इसलिए मैं डीपली इसकी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ। गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट ₹23,09,500 का यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि ₹20,80,000 का अक्योर्ड गारंटेड एडिशन, ₹23,09,500 का गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट, ₹43,89,500 का मेच्योरिटी बेनिफिट, और लाइफ कवर ₹27,50,000 का रहेगा। ये अमाउंट इससे भी ज्यादा हो सकता है लाइफ कवर का, ये वेरी कर सकता है राइट। अब बात आती है यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू, स्पेशल सरेंडर वैल्यू की। तो देखो, गारंटेड सरेंडर वैल्यू का कंपैरिजन किया जाता है स्पेशल सरेंडर वैल्यू के साथ में। दोनों में से जो ज्यादा होता है वही सरेंडर वैल्यू होता है। मान लो यहाँ पे श्रीमान जी पॉलिसी के 5 साल बाद सरेंडर करना चाहते, तो 6,85,000 रुपये का गारंटेड सरेंडर वैल्यू होता और 8,22,152 रुपये का स्पेशल सरेंडर वैल्यू। तो 8,22,152 रुपये का ही सरेंडर वैल्यू इनको मिलता। बाकी आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जानकारी क्लियर है
प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें रीच मिलेगी और हम आपके अनुसार वीडियो आपके साथ शेयर कर पाएंगे। बहुत सारे लोग वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज कर लिया करो, फ्री में सब कुछ मिलता है यहाँ पे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।